हेलो फ्रेंड्स, आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ही चैनल SMIA पे। और इस चैनल में हम आपके लिए लेटेस्ट इन्वेस्टमेंट आइडियाज़ लेके आते हैं और आपको नए नए स्टॉक्स में निवेश की राय भी देते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं टाटा इलेक्सी के, और आप देख सकते हो इसके Q2 के नंबर्स आ चुके हैं। द नेट प्रॉफिट हैज़ बिन इंक्रीज बाई 43.5% टू ₹151 करोड़, एंड द रेवेन्यू इज आल्सो इंक्रीज बाई ए सिग्निफिकेंट फिगर ऑफ 33.2%। तो इसके नंबर्स बहुत ही शानदार देखने को मिल रहे हैं। रेवेन्यू में भी ग्रोथ देखने को मिल रही है, नेट प्रॉफिट में भी आपको अच्छी ग्रोथ देखने को मिल गई है। तो इसके हम नंबर जो हैं वो डिटेल में डिस्कस करेंगे, देखेंगे कि इसके फ्यूचर के ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स किस तरह के हैं, और इसके शेयर की प्राइस का एनालिसिस भी करेंगे। तो एंड तक आप हमारे वीडियो के साथ बने रहिएगा। सबसे पहले, यदि आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किए हो तो पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन का बटन भी जरूर प्रेस करें, इससे आपको हमारे आने वाले वीडियोस का जो नोटिफिकेशन है वो मिलता जाएगा। आपको आज की हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक बटन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। सो आइए आगे बढ़ते हैं, इस वीडियो को डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं, इस न्यूज़ को भी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो द टाटा इलेक्सी ऑन द ट्यूजडे रिपोर्टेड 43.5% ईयर ऑन ईयर राइज इन इट्स नेट प्रॉफिट फॉर द अक्टूबर दिसंबर क्वार्टर एट ₹151 करोड़। तो लास्ट ईयर सेम क्वार्टर के कंपैरेटिवली इस बार जो इस कंपनी का नेट प्रॉफिट है वो 20.4% हायर आया है। ये बहुत ही पॉजिटिव इंडिकेशन है, इस कंपनी के नेट प्रॉफिट में बड़ी ग्रोथ जो है वो देखने को मिल गई है। ये एक पॉजिटिव इंडिकेशन है। द डिज़ाइन लेड टेक्नोलॉजी सर्विस प्रोवाइडर्स रेवेन्यू फ्रॉम द ऑपरेशन आल्सो ग्रू बाई 33.2% ऑन ए ईयर ऑन ईयर बेसिस एंड 6.7% ऑन ए क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस, एंड इट्स रेवेन्यू हैज़ बीन रिपोर्टेड एज ₹635 करोड़ नियरली। द अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डेप्रिशिएशन एंड अमोर्टाइजेशन दैट इज EBITDA दैट आल्सो इंक्रीज बाई 14.8% ऑन ए क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस, 46.8% ऑन ए ईयर ऑन ईयर बेसिस। तो इस कंपनी के EBITDA में भी बहुत ही शानदार रैली जो है वो देखने को मिल गई है, और इसका जो EBITDA है दैट हैज़ बिन रिपोर्टेड एज ₹210.8 करोड़ इन द लेटेस्ट क्वार्टर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इस कंपनी के नंबर्स बहुत ही शानदार देखने को मिल रहे हैं। द EBITDA मार्जिन हैज़ बिन रिपोर्टेड एज 33.2% ड्यूरिंग द क्वार्टर अंडर द रिव्यू एज अगेंस्ट 30.8% इन द प्रोसीडिंग सेक्शन प्रोसीडिंग क्वार्टर एंड 30.1% इन द ईयर अगो पीरियड। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इस कंपनी के जो EBITDA मार्जिन है वहाँ पे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी बढ़िया ग्रोथ देखने को मिल गई है, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी बहुत ही अच्छी ग्रोथ जो है वो देखने को मिल गई है। बहुत ही पॉजिटिव इस कंपनी के नंबर्स आप कह सकते हो। द कंपनीज ग्रोथ वॉज पावर्ड बाई द एम्बेडेड प्रोडक्ट डिजाइन दैट इज EPD एंड कंपनीज लार्जेस्ट डिवीजन विच ग्रू एट 9.9% क्वार्टर ऑन क्वार्टर एंड 36% ऑन ए ईयर ऑन ए ईयर बेसिस। तो इस कंपनी की जो एम्बेडेड प्रोडक्ट डिजाइन की सेक्शन था वहाँ पर बहुत ही बड़ी जो है आपको ग्रोथ देखने को मिली है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी ग्रो हो रही है, और इसके नंबर्स ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी ग्रो हो रहे हैं। यदि विद इन EPD चेक करें, इट सेट द ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस पोस्टेड ए ग्रोथ ऑफ 9.7% क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस एंड 30.9% ऑन ए ईयर ऑन ईयर बेसिस विद सेकुलर ग्रोथ अक्रॉस द इलेक्ट्रिक ऑटोनोमस एंड कनेक्टेड टेक्नोलॉजीज एंड कंटिन्यूड मोमेंटम ऑन बोथ द OEMs एंड सप्लायर फॉर द डिजाइन टेक्नोलॉजी डिजिटल सर्विसेज अक्रॉस द जियोग्राफीज। तो ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस में बहुत ही अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है। यहाँ पे भी आपको ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है, 30.9% की, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 9.7% की ग्रोथ जो है वो आपको देखने को मिल रही है अक्रॉस द डिफरेंट सेक्शंस। तो जो भी इस कंपनी की नई डेवलपमेंट हो रही है बहुत ही पॉजिटिव ग्रोथ जो है वो शो कर रही है, ये भी एक पॉजिटिव इंडिकेशन है। यदि मीडिया का हम चेक करें तो मीडिया की जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे ग्रोथ है वो आप देख सकते हो, मास एंड कम्युनिकेशंस में 6.5% ग्रोथ रही है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे, एंड 31% ग्रोथ जो है वो आपको जो है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखने को मिलेगी। हेल्थ केयर में भी 22% क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे है, 73.4% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे है। तो अक्रॉस द डिफरेंट वर्टिकल्स इट हैज़ शोन ए एक्सलेंट ग्रोथ, बहुत ही पॉजिटिव जो है इस कंपनी के नंबर्स देखने को मिले हैं। यदि इस कंपनी के MD एंड CEO का जो हाईलाइट्स आई हैं उसके अकॉर्डिंगली द कंपनी कंटिन्यूज टू एग्जीक्यूट स्ट्रांगली ऑन ऑल इट्स की स्ट्रेटजीज ड्राइविंग ग्रोथ अक्रॉस ऑल द 3 प्राइमरी इंडस्ट्री वर्टिकल्स एंड रीजन्स।
बिल्डिंग ऑन इट्स सॉफ्टवेयर एंड डिजिटल प्रोडक्ट इंजीनियरिंग कैपेबिलिटीज़। तो इस कंपनी की कैपेबिलिटीज़ बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, इसीलिए ही इस कंपनी के बिजनेस में डिफरेंट वर्टिकल्स में भी ग्रोथ देखने को मिली है, डिफरेंट रीजन्स में भी ग्रोथ देखने को मिली है, और आप देख सकते हो इसके जो डिफरेंट फाइनेंशियल पैरामीटर में भी अच्छी ग्रोथ देखने को मिल गई है। वी आर सीइंग सिग्निफिकेंट ग्रोथ इन द ऑटोमेटिव मार्केट। तो ऑटोमेटिव मार्केट में बहुत ही अच्छी ग्रोथ जो है वो देखने को मिली है, ऐसा कहना है कंपनी का। तो इस कंपनी के नंबर्स तो बहुत ही शानदार हैं। द राघवन हैज सेड दैट द कंपनी कंटिन्यूज टू इन्वेस्ट इन द टैलेंट पाइपलाइन टू सपोर्ट कंटिन्यूड ग्रोथ एंड इट्स इज एंटरिंग द फोर्थ क्वार्टर विद द कॉन्फिडेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक एंड हेल्दी डील पाइपलाइन। तो इस कंपनी की जो डील पाइपलाइन है बहुत ही हेल्दी है, ऑर्डर बुक बहुत ही स्ट्रॉन्ग है अक्रॉस द की मार्केट्स एंड इंडस्ट्रीज। तो इसीलिए ही आज इस स्टॉक में अच्छी तेजी भी देखने को मिली है। यदि ट्यूसडे देखें तो कल इस स्टॉक में 0.32% की तेजी जो है वो देखने को मिलेगी। तो आइए इसके आज के दिन का स्टॉक का एनालिसिस कर लेते हैं। तो आज के दिन यदि इस स्टॉक की प्राइस देखें तो आप यहां पे देख सकते हो आज इस स्टॉक में बहुत ही बड़ा धमाका देखने को मिल गया है, और इस स्टॉक में आपको 58% की तेजी वो देखने को मिल रही है 3:03 PM पे, और ये जो स्टॉक है 6923 पे ट्रेड कर रहा है। बहुत ही बड़ा इस स्टॉक में रैली, बहुत ही बड़ी तेजी देखने को मिल रही है। ओपनिंग इसकी लो लेवल पे हुई थी 6547 पे हुई थी, हाई इसका जो है वो 7170 का है, लो इसका जो है वो 6381 का देखने को मिलेगा आज के दिन। मार्केट कैप देखें तो इस कंपनी का मार्केट कैप जो है वो आपको 42.97 करोड़ देखने को मिलेगा। ये जो कंपनी है एक मिड कैप आईटी कंपनी है, पीई रेशो इसका 93 का है, डिविडेंड यील्ड इस कंपनी का जो है 0.35% का है। आइए इस स्टॉक की पास्ट 5 डे की परफॉर्मेंस देख लेते हैं। तो लास्ट 5 डेज में भी इस स्टॉक में 10% से भी ज़्यादा जो है वो आपको तेजी देखने को मिलेगी। यदि इसके चार्ट का एनालिसिस करें तो इस स्टॉक की बहुत ही बड़ी ब्रेकआउट, बहुत ही बड़ी तेजी अब इस स्टॉक में देखने को मिली है। यदि 1 मंथ का पैटर्न देखें तो यहाँ पे भी आपको 27.03% की रैली जो है वो देखने को मिल जाएगी, और इस स्टॉक में आपको कंटिन्यूसली रैली देखने को मिल रही है, कहीं पे भी आपको जो है वो वोलेटिलिटी देखने को नहीं मिलेगी, और ये जो स्टॉक है कंटिन्यूसली रैली शो करता जा रहा है। 6 मंथ का पैटर्न देखें तो यहाँ पे और भी बढ़िया रिटर्न्स देखने को मिलेंगे, 64.72% के रिटर्न जो है वो आपको देखने को मिल जाएंगे। तो बहुत ही बढ़िया यहाँ पे भी रैली देखने को मिली है। 1 ईयर का पैटर्न देखें तो 158% के मल्टी बैग रिटर्न्स देखने को मिलेंगे। तो लास्ट 1 ईयर में भी इस स्टॉक में बहुत ही बड़ी ब्रेकआउट जो है वो आपको देखने को मिल जाएगी। लॉन्ग टर्म का डाटा देखें, 5 ईयर का डाटा देखें तो यहाँ पे आपको 831% के मल्टी बैग रिटर्न्स देखने को मिलेंगे। तो आप देख सकते हो 5 ईयर पहले इस स्टॉक की जो प्राइस थी 741 थी, आज ये जो स्टॉक है 6944 पे ट्रेड कर रहा है। बहुत ही बड़ी ब्रेकआउट, छोटी छोटी करेक्शंस के बाद आप देख सकते हो इस स्टॉक में कंटिन्यूसली रैली देखने को मिली है, स्पेशली आफ्टर द अप्रैल 2020 में आपने देखा है कि हमारे देश में कोविड पेंडेमिक आया था, तो उसके कारण थोड़ा वॉलेटिलिटी थी, लेकिन इस स्टॉक में कोई भी बड़ी करेक्शन नहीं है, छोटी छोटी करेक्शन ही देखने को मिलेगी डिफरेंट लेवल्स पे, उसके बाद ये जो स्टॉक है फिर कंटिन्यूसली रैली शो करता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि इसके नंबर्स भी अच्छे आ रहे हैं, और इसके फाइनेंशियल्स बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, और इसके टेक्निकल्स आर आल्सो लुकिंग वेरी वेरी ब्यूलिश। अब इस स्टॉक में बड़ी करेक्शन भी हुई है, लेकिन आज इस स्टॉक में बहुत ही बड़ी रैली फिर देखने को मिल गई है। मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देखें तो यहाँ पे बहुत ही बड़े रिटर्न्स देखने को मिल जाएंगे, और आप देख सकते हो यहाँ पे 19,621% के मल्टी बैगर रिटर्न जो है वो आपको देखने को मिल जाएंगे, और इसकी जो प्राइस थी 1 जनवरी 1999 को 35 थी। तो आज आप देख सकते हो ये जो स्टॉक है 6931 पे जो है ट्रेड कर रहा है। तो उस टाइम यदि आपने इस स्टॉक में 1 लाख रुपीज इन्वेस्टमेंट कर दी होती और उसको होल्ड किया होता अभी तक, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कितने बड़े रिटर्न्स आपको यहाँ पे मिल जाते। तो जो 1 लाख है वो आपके 2 करोड़ नियरली हो जाते हैं यहाँ पे। तो बहुत ही बड़े रिटर्न्स है दोस्तों, कहीं पे भी आपको इतने बड़े रिटर्न्स नहीं मिल पाएंगे। आप चाहे आप अपने पैसा जो है वो प्रॉपर्टी में लगा लो, गोल्ड में लगा लो, या कहीं और लगा लो, इतने बढ़िया रिटर्न्स आपको कहीं पे नहीं मिल जाएंगे। हाँ, इसीलिए हम आपको कहते हैं कि आप अच्छे क्वालिटी के स्टॉक्स को पिक करते रहें, लॉन्ग टर्म के लिए पिक करते रहें, शॉर्ट टर्म में कुछ नहीं होता है, शॉर्ट टर्म में वॉलेटिलिटी होता है, अप्स एंड डाउन आते रहते हैं, तो इसको आपको बियर करना आना चाहिए। एक दिन में आपको 2% 3% गिरावट मिल गई तो उससे पैनिक में आने की जरूरत नहीं है, अच्छी क्वालिटी के स्टॉक्स को सेल करने की जरूरत नहीं है। क्वालिटी अच्छी है, स्ट्रॉन्ग जो आपका स्टॉक है वो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है, तो वो जरूर एक ना एक दिन रिकवर करेगा, ये आपको मान के चलना होगा। सो थैंक्स अगेन, वी विल मीट यू विद न्यू वीडियो, न्यू इन्वेस्टमेंट आइडिया। अभी तक के लिए हम इतना ही कर देंगे, और थैंक्स अगेन।